Hey guys, welcome back to Movies Bold. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिजन स्केप मूवीज के बारे में, यानी उन मूवीज के बारे में जिन मूवीज के अंदर हमारे हीरोज बहुत ही सिक्योर जेल्स को तोड़कर भाग जाते हैं। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही होने वाली हैं, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 9th मूवी सन ऑफ ए गन, ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़के की जिसको जेल होती है। जेल पहुंच के इसको पता लगता है जेल की हार्श रियलिटी के बारे में कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या होता है, और इसकी लाइफ एक बहुत बड़े खतरे में आ जाती है जेल के अंदर। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा नारकोटिक क्राइम लॉर्ड इसकी मदद करता है। वो इसको वादा करता है कि वो जेल के अंदर इसको सिक्योर रखेगा, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद इस लड़के को उसकी मदद करनी होगी एक बहुत बड़ी चोरी करने में और इसको जेल से भगाने में, क्योंकि इनका प्लान है कि ये लोग सोने की एक बहुत बड़ी हाइस्ट करने वाले हैं। ऐसे में ये लड़का किस तरह इसकी मदद करता है, नहीं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिला 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है पैपियन। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एडवेंचर बायोग्राफी क्राइम मूवी है। ये मूवी असली घटना पर आधारित है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक आदमी की जिसका नाम होता है पैपियन, जिसको एक झूठे मर्डर केस के इल्जाम में जेल के अंदर डाल दिया जाता है, जो मर्डर इसने आज तक कभी किया ही नहीं होता, पर फिर भी इसको जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद जेल में इसकी मुलाकात होती है एक बहुत अमीर आदमी से, लेकिन जेल में वो इसलिए गया है क्योंकि वो नकली नोट का धंधा करता था, इसी वजह से उसको जेल हुई है। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं ये लोग इस जेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, ये लोग साउथ अमेरिका की इस जेल से किसी भी तरह भाग जाएंगे, जिस जेल से आज तक कोई भी नहीं भागा, और जेल से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में ये लोग क्या इस जेल से भाग पाते हैं, नहीं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसको रेटिंग्स मिले 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी स्केप प्लान। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी के जो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, ये जेल के अंदर जाता है, उनकी प्रिजन को स्केप करके वहां से भाग जाता है, और वहां की अथॉरिटीज को बताता है कि आपकी जेल की सिक्योरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस जेल से बड़ी आसानी से भाग गया। जिसके बाद ये उन जेल्स को अपनी कंपनी की सर्विसेज ऑफर करता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी होती है, और इन लोगों का यही काम होता है कि इन लोगों को जेल को जितना हो सके उतना ज्यादा सिक्योर बनाना होता है। इसी तरह कई जेलों में जाता है, उनको ब्रेक करता है और वहां पे अपनी सर्विसेज बेचता है। लेकिन एक दिन इसको एक ऐसी जेल में जाने का ऑफर मिलता है जिस जेल के बारे में आज तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वो जेल कहां है इसके बारे में आज तक किसी ने सुना भी नहीं है, और ये किसी से कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता। उस जेल के अंदर काफी देर तक सोचने के बाद ये उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये पहुंच जाता उस जेल के अंदर, जहां पहुंच के इसको पता लगता है कि इस जेल से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इसको फंसाया गया है। ऐसे में आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द नेक्स्ट 3 डेज। ये मूवी आई थी 2010 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की जिसकी बेटी को अरेस्ट कर लिया जाता है अपने माँ के मर्डर के इल्जाम में। लेकिन इस आदमी को अच्छे तरीके से पता है कि इसकी वाइफ ने सुसाइड किया था, उसका मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी बेटी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कई जगह जाता है, कई लोगों से मदद मांगता है, कोर्ट्स में जाता है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। जिसके बाद डिसाइड करता है अपनी बेटी को किसी भी तरह जेल से बाहर निकालेगा, और ये प्लान बनाता है कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी बेटी को जेल से बाहर निकालेगा। ऐसे में आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी एस्केप फ्रॉम प्रेटोरिया। ये मूवी आई थी 2020 में। ये एक थ्रिलर मूवी है। ये मूवी असली घटना पे आधारित है। ये मूवी बेस्ड है 1979 साउथ अफ्रीका में, जहां पे ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा होता है, क्योंकि वहां की रूलिंग पार्टी एक व्हाइट पार्टी होती है जिसमें सिर्फ व्हाइट लोग होते हैं, और वो लोग ब्लैक लोगों को अपने पैरों की धूल के बराबर समझते हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा होता है, और उस समय जो भी व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को सपोर्ट करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। इसी में से कुछ थे हमारे मूवी के हीरोज, जो लोग व्हाइट रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और वो लोग ब्लैक लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, इसी वजह से इनको जेल में भेज दिया जाता है, प्रेटोरिया जेल में भेज दिया जाता है। पर ये लोग इस जेल में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते, ये लोग यहां से भागना चाहते हैं। ऐसे में ये लोग यहां से किस तरह भागते हैं वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, पर अनऑफिशियल ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। ये मूवी आई थी 2002 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की जिसको उसका एक बहुत ही खास दोस्त धोखा देता है, उसके साथ विश्वासघात करता है, और इसको जाना पड़ता है एक बहुत ही सिक्योर जेल में, जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया है। उस जेल से भागना इम्पॉसिबल है, लेकिन उस जेल के अंदर पहुंच के इसको एक बहुत ही बेशकीमती खजाने के बारे में पता लगता है, एक बहुत ही बड़ा खजाना जिससे बहुत अमीर बन सकता है, और ये अपने उस दोस्त से बदला भी ले सकता है, पर इस जेल से भागना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में ये क्या करता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
हमारी नेक्स्ट मूवी द लास्ट कैसल, ये मूवी आई थी 2001 में। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक जनरल की, जिनका कोर्ट मार्शल करके उनको मिलिट्री जेल भेज दिया जाता है और ये अपनी गलती को स्वीकार भी करते हैं और ये तैयार होते हैं उस सजा को भोगने को। लेकिन वहाँ का जो वार्डन होता है वो बहुत अत्याचारी होता है। वो इन सभी लोगों के ऊपर, जितने भी कैदी होते हैं प्रिजन के अंदर, उनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा होता है। जिसके बाद ये जनरल डिसाइड करते हैं ये उस करप्ट वार्डन को किसी भी तरह सबक सिखाएंगे। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी कॉन एयर, ये मूवी आई थी 1997 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ प्रिजनर्स की, जिनको एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। इन लोगों को प्लेन के अंदर भर के दूसरी जेल में ले जाया जा रहा होता है, शिफ्ट किया जा रहा होता है। लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता होता कि ये सभी लोग भागने का प्लान बना रहे हैं और ये लोग पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर लेते हैं। जिसके बाद आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिला 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन, की मूवी आई थी 1994 में। ये एक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक बैंकर की, जिसको उसके वाइफ के मर्डर के आरोप में भेज दिया जाता है जेल पर। ये मर्डर इसने आज तक कभी किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी इसको जेल में जाना पड़ता है। आगे ये क्या करता है जेल के अंदर वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मैं इस मूवी को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक मास्टरपीस मूवी है जिसे हर बंदे को अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर ही देखना चाहिए। इसलिए आप भी इस मूवी को देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 9.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। IMDb पर इसको 24 लाख लोगों ने ये रेटिंग दी है। सो ये मूवी एक बहुत ही जबरदस्त मूवी, आप इसको जरूर देखें। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।